बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। इस मंथ की क्लोजिंग अगर हम देखें, ये वाली जो कैंडल हुई थी, क्योंकि अभी मार्च शुरू हो गया तो ये अभी कैंडल फॉर्म हुई है, तो अच्छे समझे बुलिश नोट पे हुई है। और ये जो कैंडल थी इसकी ओपनिंग इसकी जो ओपनिंग थी वो 62,900 पे थी, यानी 63,000 टू बी ऑन द सेफ साइड। मैंने पहले भी कहा था कि 63,000 ये इसकी ओपनिंग है, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त जो सीपीआर का जो लेवल है उसका लोअर बैंड ही 62,900 या 63,000 समझ लें, ये है। मिडिल बैंड जो है वो 64,500 के अराउंड है, 64,563, और जो अपर बैंड है वो 66,271 है। सॉरी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा ये भी बताता हूँ आपको, नीचे वाला लेवल जो है 61,000, ये वाला, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लूँ, ठीक है। और प्राइस सेक्शन के हिसाब से 61,600, ये मंथली के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वैसे तो देखे ना, ये यहाँ पर भी इसको रिटेस्ट किया, ये वाला लेवल जो है इसको भी रिटेस्ट किया इसने, यहाँ विक बनी है और नए नेक्स्ट कैंडल भी आए, लेकिन इसके करीब विक नहीं बनी, 58,700 के अराउंड। सॉरी, जरा तबीयत जरा नासाज है। अच्छा, बेसिकली देखें तो ये वाली कैंडल जो फॉर्म हुई थी, और इसके बाद कोई बुलिश कैंडल इस तरह की कोई बड़ी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे स्प्रेड के साथ नहीं बनी थी, तो ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट हम कहेंगे। एक्चुअली ये जो है ये सपोर्ट है मंथली पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बता दूं, 60,530 का लेवल जो है ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट है एक्चुअली। और क्लोजिंग भी देखें तो या ड्यूरिंग द वीक या ड्यूरिंग द मंथ देखें तो यहाँ इसके नीचे भी एक विक बनी है, रिटेस्ट हुआ, ये बहुत बड़ी विक बनी है, तो क्लोजिंग जो है इस वक्त फॉर्चुनेटली जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें 61,600 इसी के ऊपर आ रही है, या बल्कि हम ये समझ लें टू बी 60,500 के ऊपर भी अगर परफॉर्म करती रहती है मार्केट तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डाउन साइड सारे बता दिए। अच्छा, मंथली पीवीटल सपोर्ट जो इसका वो 55,900 के अराउंड है, ये वाला, तो ये पीवीटल पॉइंट बहुत जो अहम है, इसको भी रीटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, कोई बैड न्यूज आती है इकोनॉमी के हवाले से, किसी पॉलिटिकल फ्रंट के हवाले से, तो अगर देखें तो ये वाला एक पीवीटल पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोअर साइड पे मैंने आपको सारे बता दिए लेवल जा रहे आफ्टर सीपीआर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की शक्ल में सूरत में ये जो है लेवल्स हैं। अच्छा, अब अपसाइड पे मैं बताता हूँ कि अपसाइड पे अब ये वापस ये 66,200 जो सीपीआर का अपर बैंड है 66,200 एक्चुअली, लेकिन इसने हाई जो किया था मार्केट ने वो 67,000 के अराउंड किया था, 67,093 के अराउंड, 90-93, ये वाला एक हाई किया था इसने, एकदम से वीक बनाई थी, वहां से हमने फिर रिजेक्शन विटनेस की थी। तो सीपीआर के लेवल से देखें तो एटलीस्ट 66,300, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें थोड़ा वीकली पे, क्योंकि अब वीक भी क्लोज हुआ है, तो एक जो जिस तरह मैं वीकली मार्केट रैपअप शेयर करता था, थोड़ा सा वीकली पे भी नजर डाल लें, तो वीकली पे भी देखें तो ये वाली कैंडल है, इसी का ये नेकलाइन रेजिस्टेंस है 66,200, और इसको अनक्रीव या भी हो सकता है इसी वीक में इसको रीटेस्ट भी करे, और रिजेक्शन भी आ सकती है और ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो इसको जरा देखना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो अच्छे यहाँ पे हमने देखे बनते हुए, एज कम्पेयर टू लास्ट वीक वॉल्यूम अच्छे बने थे, लेकिन अगर हम मंथ पे देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ये जो जिसका मैं आपकी नेक लाइन सपोर्ट बता रहा था इस कैंडल की, तो इसमें देखें वॉल्यूम जो है वो होता तकरीबन 6 बिलियन का, फिर इसके बाद जो ये जो डोजी बना ना इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम, मतलब हायर साइड पे सब ये रहा तकरीबन 11 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसके बाद जो फिर वॉल्यूम श्रिंक होते रहे 6 बिलियन, फिर 3.62 बिलियन। अब इस वक्त देखें करंट सिनेरियो में देखें, अगर इसको थोड़ा सा अगर ट्रेंड लाइन की मदद से मैं थोड़ा सा इसको जूम इन और कर दूं, यहाँ पे देखें, ठीक है ना, यहां से अगर हम अपसाइड पे देखें तो ये अपसाइड पे मूवमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, यहां से देखें, और लेकिन वॉल्यूम्स पे डाइवर्जेंस आ रहा है, वॉल्यूम्स पे कम वॉल्यूम से मार्केट अभी ऊपर जा रही है,
हालांकि जहाँ डोजी बना था क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, फिर और भी ऊपर मार्केट जाने के उसमें है, मूड में है, लेकिन अभी यहां देखें तो वॉल्यूम पे डाइवर्जन हो रहा है, मतलब कम वॉल्यूम से मार्केट बढ़ रही है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम यहाँ हम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम नजर डालें तो वॉल्यूम पे, यहाँ देखें ये मैं आपको थोड़ा नीचे करके बता दूं, ये वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये अपसाइड मूवमेंट हम देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, और यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, पहली तो बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन अलहमदुल्ला मेंटेन किया हुआ है 9 ट्रिलियन को। अब इस वक्त देखेंगे 9.3 रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। तो एक तो ये सूरत हाल अच्छी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम कमी नहीं देख रहे हैं, ऑल दो वॉल्यूम कम है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि भाई अपर साइड पे लोग जो है अभी इस वक्त ज्यादा जो है बाय करने के मूड में नहीं है या इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है। वो अगेन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि डिस्काउंट का इंतजार करना चाहिए करेक्शन का, तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन का लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी सूरत यह है कि इस वक्त सीजन जो है रिजल्ट सीजन वो तकरीबन अब खत्म होने वाला है। जो दिसंबर की जो अनाउंसमेंट थी, किसी का हाफ ईयर था, किसी का फुल ईयर था, शुगर का क्वार्टर था, तो वो तकरीबन अब ये सब ये रिजल्ट ऑलमोस्ट जो है अच्छे अच्छे रिजल्ट सब अनाउंस हो चुके हैं, थोड़े बहुत और रह गए हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो और आगे रमजान है, रमजान इज ऑल्सो अप्रोचिंग, तो अराउंड द कॉर्नर ही है बस। हम रमजान अगले वीक नेक्स्ट वीक में जो रमजान है, तो अब इसमें देखें, आपको हमेशा हमने विटनेस किया है कि रमजान में थोड़ी एक्टिविटी डल होती है और रिजल्ट सीजन भी खत्म हो गया, तो लोग मोस्ट प्रोबेबली इंतजार करते हैं क्वार्टर का। क्वार्टर में इतना हिलजुल नहीं होता एक्चुअली, अगर बहुत मार्केट नीचे आ जाए तो फिर ठीक है, मार्च में फिर तब देखते हैं। जिस तरह हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि मार्च फिर अप्रैल से यहाँ बाइंग शुरू होती हुई देखी, तो इस वक्त अभी मार्केट बहुत हायर साइड पर है, तो कॉशियस अभी भी मैं कहता हूँ कॉशियस रहना चाहिए। स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। आपको मार्केट मौका देती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक आपको मौके मिलते हैं, तो जिस तरह आपकी स्ट्रेटेजी है, जो स्कैल्प ट्रेडर हैं वो डे ट्रेड करते हैं, वो डे ट्रेड के हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी प्लान करें, इसी तरह डे ट्रेड वाले हैं और वीक ऑन वीक बेसिस पे जो काम करते हैं, भाई एक हफ्ते के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इसी लेवल के हिसाब से काम करें जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये मंथली का है, ठीक है, ये लेवल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये जो है डाउन साइड पे अच्छे लेवल है, यहाँ पे वो वेट करें यहाँ मार्केट का आने का, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बाय करें। तो अभी तो फिलहाल बाय ऑन, अब बहुत कम चांसेस है कि आप जो हफ्ते के लिए या महीने के लिए रखें, क्योंकि अब इस वक्त जो है बस यही इतना रह गया है फिलहाल, 66,000 अभी 65,000 पे, मतलब समझे 1,000-1,200 पॉइंट, ठीक है ना, या मैक्सिमम 2,000 पॉइंट, यहाँ तक मार्केट अभी आ सकती है। यहाँ से रिजेक्शन हमने कई दफा देखी है, तो ये मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे सकती है। हाँ, अगर इस मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है 66,200 पे विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वॉल्यूम्स, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक देख सकते हैं ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। वीकली पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर दूँ, तो अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ये मंथली का ले लेते हैं, मंथली का यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा और जूमिंग, ये आपको ये ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, तो इसी के लिए हम इसको प्लॉट करेंगे फिबोनाची को। ठीक है, और इसका हम इसकी नेकलाइन सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, विक नहीं ली है, मैंने क्या किया देखें, ये वाली जो मैं थोड़ा जूम इन करके बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो सीखने वाले उनको आसानी हो जाए। देखें, ये एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी, इसके हमने नेक लाइन ली है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन भी विटनेस की थी और मार्केट नीचे की साइड पे आई थी। ठीक है ना, तो वो लेवल था तकरीबन 47,800 का। ठीक है, इसके बाद जो है मार्केट जो है 39,000 पैसे तो आई थी, 38,200 पे, लेकिन अगर ये वाली बुलिश कैंडल है, ठीक है, जिसके हमने रिजेक्शन देखी थी, फिर यहाँ से वापस ही मार्केट अपसाइड पे गई थी, तो इसको मैंने नेक लाइन
सपोर्ट लिए और ये नेकलाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको देखते हुए अगर हम देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कहां तक अपर साइड पे, तो जाहिर से अभी तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो ये लेवल फिर अनकरीब रिटेस्ट होता हुआ हम देख सकते हैं 70,228 का ये वाला लेवल। ठीक है ना, ये वाला लेवल हम रिटेस्ट हो सकता है दे सकते हैं, और फिर आखिर में जो 75,000 भी लेवल रिटेस्ट हो सकता है, ये भी फिर ये एक्सपोज हो जाएगा इसके बाद ये वाला। ठीक है ना, आप जिस तरह मैंने बॉडी लिए तो हो सकता है यहाँ कोई बॉडी फॉर्म हो इसके ऊपर, अगर ऊपर भी जाके इन बिटवीन जाके 71,600 पे भी जा सकती है, विक बनती है तो फिर मार्केट नीचे जा सकती है, इसी तरह यहाँ पे भी अपसाइड पे विक बन सकती है। ये मैं बॉडी के हिसाब से ले रहा हूँ, तो बॉडी के हिसाब से ये लेवल है, चाहे वो बेरिश के हो या बुलिश कैंडल के हो, ये बॉडी के हिसाब से मैंने लिया है कि यहाँ बॉडी कहीं ना कहीं किसी की यहाँ पे फॉर्म हो सकती है विद इन विद विक। ठीक है ना, विक के साथ हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने अपसाइड पे आपको चांस बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात देखें, यहाँ पे देखें एक और भी चीज आपको समझने के लिए और मिल जाएगी। आप इसकी देखें सिंक्रोनाइजेशन देखें, ठीक है ना, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये इसकी जो विक बनी थी प्राइस सेक्शन के हिसाब से वो 61,600 के अराउंड बन रहा है, और यहाँ पे देखें 61,685 इसका जो रेशियो है 2.68। ठीक है ना, मंथली पे देखें नीचे भी आया है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर आई है, तो ये एक अच्छा लेवल है टू बाय ऑन डिप। ये वाला 61,600 नीचे पे आता है तो फिर थोड़ा और बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना ना भूलें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ये सेफ रहे, ताकि आप आगे जाके किसी और आइटम में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो सेक्टर्स हैं वो बता दूं जो परफॉर्म करते हैं और आने वाले दिनों में करेंगे, वो स्विमिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, जब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सस्टेन करती है, स्टेबल रहती है इधर 22% पे या 21% पे भी आती है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 20% तक बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। इसके बाद जो ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर बता दिया मैंने आपको, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, क्योंकि इसकी भी न्यूज आती रहती है, न्यूज बेस चलता है फार्मा सेक्टर, तो इसके साथ ये भी आप देख सकते हैं। बाकी जिनमें जो जो न्यूज है, जिन जैसे जैसे कोई चीज बिजनेस चेंज हो रहा है किसी का, कोई रियल एस्टेट में जा रहा है, कोई आईटी में जा रहा है, किसी को आईटी कंपनी जो है एक्वायर कर रही है, कोई माइनिंग में जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ साथ सबसे बड़ा जो ऑयल एंड गैस, इसको आप देखें, एनर्जी सेक्टर जो है, फर्टिलाइजर सेक्टर, फर्टिलाइजर मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि हमारा ये एग्रीकल्चर कंट्री है तो फर्टिलाइजर की डिमांड रहती है 12 महीने हमारे, सारी बात ये, तो फर्टिलाइजर पे जरूर जोर रखें, और फर्टिलाइजर के कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। मैंने पहले भी कहा था ई फर्ट वगैरह जो है ये अपने पोर्टफोलियो रखें, प्लस हमारे जो है जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो बिजली है, पावर सेक्टर है, इनके कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। डिविडेंड बेस्ड जो है, ईपीक्यूएल बहुत अच्छा है, आप पावर अच्छा है, इनमें आप देखें छोटे में आप सेफ पावर है, लालपीर पावर है, इनको आप देख सकते हैं डाउनसाइड पे, और भी पावर सेक्टर के हैं आप इसको देख सकते हैं। कैपको का इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कैपको की कुछ ऐसी बातें कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं और कुछ न्यूज भी आती हैं कि भाई इसको डॉलर में पेमेंट नहीं करनी है, वो डॉलर में मांग रहे हैं, तो कैपको भी डिविडेंड देता है, डाउनसाइड पे आप ले लें, कोई बुरा स्टॉक नहीं है। अभी देखें अभी डिविडेंड दिया उसने एक्स होने के बाद, देखें कहाँ आता है, जहाँ डिप लेता है उसको आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छे मैंने आपको स्टॉक बता दिए, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं। निषाद पावर भी अच्छा है पावर सेक्टर में, और लालपीर पावर जैसे आपको मैंने पहले बताया ये भी अच्छा है, ईपीक्यूएल एंग्रो वालों का है, और हब पावर भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देखी है। फर्टिलाइजर में एंग्रो फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है, और ई फर्ट हमेशा अच्छा रहा है। देखिए SPWL ई फर्ट, ये पहले अगर आप साल दो साल पहले देखें तो इनकी डिविडेंड डील बहुत अच्छी रही और पे आउट भी बहुत अच्छा रहा है। डिविडेंड डील तो होती है लेकिन ये पे आउट भी होना चाहिए साथ साथ अच्छा, फॉर पे आउट फॉर सपोज जैसे 4.5 रुपए की अर्निंग दी और आपको 4 रुपए डिविडेंड दे, तो द बेस्ट स्टॉक है ये, तो हम ये ई फर्ट वगैरह ऐसे ही करते हैं, तो इन स्टॉक पे आप तवज्जो दे सकते हैं ऑन डाउन साइड, तो ये आगे आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है अपसाइड और डाउनसाइड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, दूसरी एक चीज थोड़ा लेंदी हो जाएगा मैं कह रहा, लेकिन आपके साथ शेयर करता जाऊं क्योंकि वो साथ साथ चला आ रहा है। ठीक है, ये मैंने
आपको बताया था ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये इसकी मैंने नेक लाइन रेजिस्टेंस लिया था, ये वाला लेवल मैं आपके साथ बता दूं, ये इसका नेक लाइन जो बन रहा है वो 59,000 के करीब है ये, ठीक है ना। इसको मैं लेता हूं यहां से और ये दो दफा इसको रीटेस्ट के इसको भी हम ले लेंगे यहां पे, ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है यहां से। अब ये देखें, ये आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बोला था इसको ब्रीज कर दिया है तो ये फेक आउट भी हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, ब्रेकआउट का भी ऐसे ही होता है, मैं आपको अभी ये अपर साइड भी समझा देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा कॉशियस होकर काम करें, एग्रेसिव ना हो ब्रेकआउट देख के कि हाँ ब्रेकआउट हो गया है तो ये अपसाइड पे मूवमेंट हम अब मजीद देख सकते हैं। ये मैंने एक ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया था, ठीक है। तो ये आप देखें वेरी नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट दूसरी वीक की कैंडल ने वापिस इसके ऊपर परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। मैंने आपको 63,000 का लेवल बताया था, ये 62,900 का बन रहा है, मैंने 63,000 बोला था और इसी को सस्टेन करके और यही इसको ऑनर किया इसने, यहीं से इसने ओपनिंग की है अपने और क्लोजिंग जो है 65,300 के अराउंड आई है मार्केट की। तो ये ब्रेकआउट अपर साइड का भी मिल चुका है, लेकिन अगेन देखें वही सिनेरियो आ रहा है, यहाँ बेरिश कैंडल बनी है या बुलिश बनी है, हो सकता है यहाँ कोई डोजी बन जाए या कोई बेरिश कैंडल बन जाए, बी केयरफुल, अभी भी मैं कहूंगा बी केयरफुल, केयरफुल होके काम करें। अच्छा, केयरफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज अपनी लॉस में बेच दें, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी अब अपने ऐसी प्लान करें कि जो आपने अपर साइड पे स्टॉक लिए हैं, अच्छा अगर स्टॉक है फॉर सपोज पीएसओ किसी ने ले लिया 200 पे 190 पे, तो उसी को नीचे की साइड पे बाय भी करें और अपर साइड पे सेल भी करें। वो आप पीएसओ की जो होल्डिंग है, फॉर सपोज कोई भी ऐसा स्टॉक है जो आपने अपर साइड पे बाय किया तो आप उसी में ट्रेड करें। एक अच्छा आपने स्टॉक ले लिया, अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती से खराब लिया तो किसी अच्छे में स्विच कर लें, ठीक है, उसको बेच दें फॉरन और ये डाउन साइड पे इंतजार करें, कोई अच्छा स्टॉक लें उसको स्विच कर लें उसमें, और उसमें फिर आप ट्रेड भी, अगर वो भी नीचे आ जाते हैं तो अच्छा स्टॉक है डिविडेंड बेस है तो कोई मसले, उसी को आप फिर अपने ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं, उसी में आप ट्रेडिंग करें, आप किसी और स्टॉक में ना जाएं, उसी को आप ट्रेड करें तो आपकी आप ऊपर वाली बाइंग है वो जो एवरेज है वो नीचे आता रहेगा। डाउन साइड पे बाय करें और अपर साइड पे आप सेल करें, स्टॉप लॉस करते ट्रेड करते हुए चले जाए, अगर अपर कैप लग जाता है तो अगले दूसरे रोज स्टॉप लॉस करके आप उसको छोड़ दें, आप जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका प्रॉफिट में ही बिकेगा, ठीक है। पहली बात तो ये, फिर अगेन दूसरा डाउन साइड पे आता है तो उसी को स्टॉक को जो है नेक्स्ट डे फिर देखें, एक नया सपोर्ट लेवल बना रहा है फिर उसी सपोर्ट लेवल बाय करें और रेजिस्टेंस पे आप सेल कर दें, तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए आप अपने ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, ट्रेडिंग करें, और जिस तरह मैंने बताया जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है तो अब ये जो है ये वाला लेवल एटलीस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड 64,500 का ही लेवल बन रहा है। हाँ, आप इसको समझ लें 64,600, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड 64,600 को जब तक ये सस्टेन नहीं करता है आपने सेल करना है, ठीक है। और जब ये सस्टेन देख लेंगे, एक महीना सस्टेन करता है और इसके ऊपर कोई अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, ये मंथली कैंडल जो अच्छी बनती है एटलीस्ट, या वीकली समझ लें, वीकली का शेयर कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर अगर कोई जैसे ये सपोर्ट लेवल अच्छा बन जाए, ठीक है, कैंडल बनने का, तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर देख लेगा, 9.5 ट्रिलियन से ऊपर निकल जाता है, दैट मीन्स के मार्केट में अभी और आगे जाने के चांसेस हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।